टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम आज तक फिल्मों में ही देखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जहां टाइम ट्रेवल का ये कॉन्सेप्ट सच होता सा लगता है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो और जब वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EW A513 के साथ घटी थी। ये घटना इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि इस घटना को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह रोका गया। लेकिन बावजूद इसके ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EW513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कॉन्टैक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई भी व्यक्ति ना तो पायलट से संपर्क में था और ना ही कोई पायलट किसी को संपर्क कर पाने में सफल हो रहे थे। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की पूरी कोशिश, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफी प्रयासों और सर्च ऑपरेशन के बाद सबने यही सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान निगल गया है। यात्रियों के परिजन और अन्य लोगों ने भी मान लिया कि उन्होंने अब इन यात्रियों और EW A513 को हमेशा के लिए खो दिया है और वे कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना का सेंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ दिनों बाद सेंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई, लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी कोई भी खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए, अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1979 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो तेजी से पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये खबर पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान इस प्लेन पर केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही प्लेन नजदीक आया तो सब एकदम हैरान हो गए और परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ पढ़ा था। लेकिन अब तक तो सेंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल बीत चुके, तो ये फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती और अब तक कहाँ थी? सभी लोग इसी बारे में सोचकर घबरा रहे थे, थोड़ा डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतने ही डराने वाली भी थी। लेकिन अभी कंट्रोल रूम के लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि अब ये घटना और भी डरावना रूप लेने वाली है जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इसी बीच प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं आया तो वहां मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने प्लेन का दरवाजा खोला, लेकिन वो अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे। लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। हिम्मत करके जैसे ही लोग अंदर गए तो प्लेन का मंजर देखकर सभी हैरान हो गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी भी उसी हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटे बाद गायब हुई। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब यहाँ लोगों के मन में काफी सवाल भी थे जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों को लोग कॉकपिट के दरवाजे की तरफ पायलट से मिलने गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पे ही थे, जो बहुत चौंकाने वाली बात। ब्राजील की सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राजील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो इस बात ने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया, जिसमें से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेटर ने ये जानने में बहुत दिलचस्पी दिखाने लगे कि उस दिन क्या हुआ था, आखिर उस घटना में ऐसी कौन कौन से राज छुपे हुए थे जो पैरानॉर्मल एजेंसियों और ब्राजील सरकार बाहर नहीं लाना चाहती। उस समय एक काफी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम डॉक्टर कोल्से अटेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नजरों से भी नहीं बच पाई और उनका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस घटना के असली राज
और सभी कारण दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर कोलसे अटेले और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने सिर्फ एक ही थ्योरी ला पाए, जिसके मुताबिक कि फ्लाइट 513 किसी तरह के टेम्परेरी टाइम बबल में प्रवेश कर गई, 1989 के काल में पहुंच गई थी। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था कि जो किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, और यहाँ तक इस सवाल की वजह से इस घटना की वास्तविकता पर भी संदेह किया जा सकता था। क्योंकि अगर एक पल को मान भी ले ये फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में इंटर हुई और 1989 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट का कंकाल सकुशल लैंड कैसे करवा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को महज एक काल्पनिक कहानी बताते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एरिया 51 में एलियंस के होने का दावा किया जाता था। लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। तो आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।